Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booking.pk. Now. Tera ishq hai zah-e-naseeb. Dekho, mujhe to lagta hai tumhe ye kissa khatam kar dena chahiye. Tumhe unke ghar mein job nahi karni chahiye. अरे अभी मामू ममानी को कॉल करके ना ये नौकरियां शौकरियां खत्म करवा दूं, क्या समझी? जी समझ गई. उन जानवरों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें उनसे भी बड़ा जानवर बनना है. हाल ना उधड़वा दी ना तुम लोगों की तो मेरा भी नाम. कहाँ है समीर? बुलाओ उसे. किस किस्म के लोग मेरे काम के लिए रखे हैं उसने? राम के लुक में तोड़ने की आदत हो गई है. दबाओ जाओ सब. गौर आ रही है. ये वक्त है तुम्हारे आने का? मैडम वो शट अप. You are fired. मुझे काम पे देर से आने वाले लोग सख्त नापसंद. तुम भी इन्हीं लोगों की तरह मुफ्तखोर और हड़हराम निकली. तो पहले ही समझ गई. चले जाओ सब. दफा हो जाओ यहां से. सॉरी मैडम, दोबारा नहीं होगा. दोबारा ऐसा नहीं होगा. अरे बीवी, तुम यहां काम पे रहोगी तो दोबारा होगी ना. निकल जाओ सब यहां से. दफा हो जाओ और बुलाओ समीर को. मॉम, आई एम हियर. व्हाट इज गोइंग ऑन? समीर, ये क्या इडियट्स की फौज तुमने मेरे लिए जमा करके रखी है? इतनी ही बोझ बन गई हो ना तुम पे तो ले जाके किसी कब्रिस्तान में दफना के आ जाओ. किस्सा ही खत्म हो जाए सारा. निकालो इन सबको यहां से. किसी की जरूरत नहीं है मुझे. Relax. रुकिए. इस गौर, मैंने सुना आज आप लेट आई थी. जी सर, वो आइंदा अगर कभी आप लेट हो रही हो तो एक काम कीजिएगा, एक आसान सा काम. माता, do you understand? Yes. Thank you.
मेरी दोस्त ने भी ना यही मन्नत मांगी थी। और तो और उसके उस लड़के से शादी भी हो गई और उस लड़के को जॉब भी मिल गई है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। मैंने ना हॉरोस्कोप में पढ़ा है इस हफ्ते मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। जहाँ पे मंजिल में पहुंचने तक इतनी मुश्किलें हो ना, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ है तुम दोनों को, तो जख्म भर जाएंगे तुम लोगों के, सोच लो अभी भी। कोई दर्द हो कोई मीर हो ना कोई मुझसा फकीर हो, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, आ मुझे खरीद, तेरा इश्क है ज़हन-ए-नसीब, मेरा हिज्र है ज़हन-ए-नसीब। हमें जाने दो, तुम सबके आइडियाज ही बूढ़े होते हैं। क्यों, क्या हुआ, बात नहीं बनी क्या? अबे तुम सबके चक्कर में मैंने वो सीक्रेट देखा है फेसबुक, गौर तो कहती उसको कोई वास्ता ही नहीं फेसबुक से, खाम खाए में कच्ची करा दी अपनी। अबे यार क्या बात कर रहा है, मेरी वाली तो हर वक्त फोन से लगी हुई होती है, मुझे तो सिखाया ही उसी ने था ये फेसबुक। तेरी बारी है। पता नहीं भाई, गौहर तो कोई दिलचस्पी नहीं। अबे हम तो तेरे ही भले के लिए कह रहे थे, सोचा भाभी ना सही भाभी की तस्वीरें ही देख लेगा तब तक तेरा निकाह नहीं हो जाता उससे। फिलहाल तो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही, ऊंची हवाओं में है ना, डोर काटनी पड़ेगी डोर। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना कर देना जिससे बना काम भी बिगड़ जाए। अब वो तेरी मंगेतर है मंगेतर, तरीके से बात करना उससे, इस तरह ना करना जिस तरह हम लोगों से करता है। अब भी आ तब भी आ, इस तरह मुझे सिखाएगा, गरम ना हो जेब मंगवा देता हूं। जी मैम आपने बुलाया था। गेट रेडी, थोड़ी देर में फार्म हाउस के लिए निकलना है हमें, वहाँ का रेनोवेशन प्लान हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। ओके जी, मैं इंतजाम करता हूँ। दोबारा ऐसी कोताही ना होने पाए। जी मैंने जो चीज़ें तुम्हें लिखवाई हैं ये तुम्हें डेली चेक करनी होंगी। जी बेहतर, मैंने सब नोट कर लिया है। सिर्फ नोट नहीं करना, अमल करना है। जी तुम खुद लेट आओगी तो दूसरों को क्या चेक करोगी? नहीं आज के लिए माजरत चाहती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कल सबसे पहले आऊँ। यू बेटर बी ऑन टाइम। शेफ से जाके कहो कि लंच में मुझे मशरूम सूप चाहिए। सुनो कहाँ जा रही हो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बैठो। जी दोपहर को मैं आधे घंटे नैप लेती हूं, उससे पहले तुम मुझे मेरी फेवरेट बुक से दो चार पैराग्राफ पढ़ के सुनाओगी। जी इंग्लिश पढ़ लेती हो? जी पढ़ लेती हूँ। गुड, तो फिर आज से प्रॉपरली अपनी ड्यूटी संभालो। शाम को ऑफ करने से पहले मेरी परमिशन जरूर ले लेना, बगैर बताए नहीं जाना। जी
कुछ पूछना चाहती हो? वो मैडम पूछना तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि स्टाफ कार मुझे पिक करने ना आए घर पे। वो क्या है ना कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ इस चीज़ को थोड़ा मायूब समझा जाता है। तो अच्छा, तो तुम्हारे पास अपनी कन्वेंस है? नहीं, कन्वेंस तो नहीं, लेकिन मैं बस या रिक्शा से। नो वे, अब समीर विला के बाहर रिक्शा और टैक्सी आकर रुकेंगे? जब तक तुम्हारा कोई अरेंजमेंट होता है, ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें मेन रोड से पिक करे और वापसी में वहीं ड्रॉप करे। जी, बेहतर। यहीं बैठी रहोगी? जाओगी नहीं? नहीं। गर्द जमा हो गई, ये सब निकाल के वॉश करना है, ठीक है? गुड, ये कुशन्स यहाँ रख दें, एक यहाँ रखें, एक इस तरह। रुक जा। क्यों, क्या हुआ? बेसमेंट में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, मैडम के सख्त ऑर्डर हैं। ओहो, इन लड़कियों ने तो ये सब चीजें छोड़ दी। इजाजत नहीं है? लेकिन ऐसा क्या है कि नीचे जाने की इजाजत नहीं है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैडम के सख्त ऑर्डर हैं। अच्छा, मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, मुझे जोग दे, मुझे रोग दे। लेकिन नूरा, मैं देख रही हूँ कि पूरे घर में ही सभी मैडम की तस्वीर हैं। उनकी सगी माँ की कोई तस्वीर? इस घर में समीर साहब की सगी माँ का नाम लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मैडम को सख्त नापसंद है। और हाँ सुने, मैडम के खाने का वक्त हो गया है, आपने उन्हें कहानियाँ भी सुनानी है, आ जाइए। और कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा खुदा के लिए। The table was bulky and made of a light, unfinished wood. Tariq's father had built it as well as the chairs. It was covered with a green vinyl tablecloth with little stars on it. Most of the living room was taken up the pictures of Tariq at the various ages. In some of the very early ones, he had two legs. I heard your brother was sick, Leila said to Tariq's father, dipping a spoon into her bowl of soaked raisins and apricots. He was lighting a cigarette. सिंगापुर की कंपनी आएगी,
टर्की की कंपनी आ रही है. मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक वी विल बी हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड. थैंक यू मैम. मिस्टर काशिफ, मेरे रूम में आके बात सुने अभी. मैंने कहा था ना, क्या जरूरत थी इतना ओवर स्मार्ट बनने की. अब जाओ, जाके ले लो अपना टर्मिनेशन लेटर. मियां काशिफ, अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, टर्मिनेशन लेटर के बाद हमारे साथ चाय पी के जाना. फार्म हाउस पे लाउंज वाली वॉल के बारे में क्या कह रहे थे तुम? मैम, वो सिर्फ एक सजेशन थी. अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी. ऑफ कोर्स बुरा लगा है मुझे. मुझे ये हरगिज पसंद नहीं है कि सबके सामने मेरी दी गई हुई राय पर इस तरीके से अपना ओपिनियन लिया जाए या कोई भी बहस की जाए. जी. आपने क्या कहीं से प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ? आई मीन योर एस्थेटिक सेंस इज वेरी गुड, वरना नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी. जी मैम, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है और यहाँ आने से पहले डायरेक्टर्स ऑफिस के इंटीरियर मैं ही देखता था. आई सी. On the way back here, I was actually thinking about your suggestion. It's not a bad idea. काम किया जा सकता है इस पर. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कलर स्कीम के साथ बहुत ज्यादा नहीं खेल सकते. और अगर आपको कुछ करना भी है तो पहले मुझसे डिस्कस करें आकर. जी मैं पहले आपसे डिस्कस कर लूंगा. Please. Thank you. अरे भाई, गौहर कहाँ रह गई है? बाहर अंधेरा होने को है. ये कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां रात गए तक काम होता रहता है? वो दरअसल गौहर जी आ गए. इधर बेटा. सलाम रुको. हाय मैं सबके जाऊं. वालेकुम अस्सलाम. कैसी है बेटा? जी मैं जी. हाँ, कब से इंतजार कर रही हूँ और तेरी माँ से पूछ रही थी अभी तक क्यों नहीं आई. गौहर ये पर्स रख और जल्दी से जाके अच्छी सी चाय बना और हमें पिला. तेरी फूफू कब से इंतजार कर रही थी तेरा. जी हाँ भाई, आज तो मैं अपनी बहू के हाथ की चाय पी कर ही जाऊंगी. जी अभी लाइए. वो मैंने कहा कि अगर चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़ियां भी हो जाए ना तो अच्छा जाता. बस अभी लाई. माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों. ना खुश है मेरा बच्चा. ऐसे के जाऊं मैं. तुम यहां खड़ी हो? मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहा हूं. आप यहां इस वक्त? हाँ, कसम से बड़ी बोरियत हो रही थी, सोचा तुमसे बातें कर लूं. अच्छा तो कीजिए बातें. वो तुम्हारा पुराना नंबर है ना?
उस पर मैंने इतने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजे, तुमने एक का जवाब नहीं दिया यार। ओ, तो वो मैसेज आप भेजते हैं? कसम से मोहल्ले की सारी लड़कियां मुझे मैसेजेस भेजती है और मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अब बंदा क्या जवाब दे मैसेजेस का, बस मूड खराब कर देती है। गौहर, फुफ्फो जा रही हैं। जी जी आई। अम्मा, गलत मौके पर उठना होता है बस। आजकल देर से आने लगे हो। नई पोस्ट मिली है, काम काफी ज्यादा बढ़ गया। मैं ना खुद को तुम्हारा मुजरिम समझने लगी हूँ। ये सब तुम मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हो ना। सी बातें कर रही हैं। मैंने कभी भाइयों पे बोझ हुई है? और मैंने तीनों के लिए आज तक किया ही क्या है? तुम्हारा बस चले, तुम ना हम तीनों के लिए खुद को बेच डालो। अच्छा मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? जो रुखसती एक साल बात कर रहे थे वो 6 माह बात कर दो। और अम्मा सबसे अच्छी बात तो ये है कि जल्द रुखसती के चक्कर में ना उन्होंने कोई जहेज वहेज भी नहीं मांगा, ना ही तो कोई और डिमांड की है। मैं तो कहती हूँ अम्मा जल्दी से ना हाँ कर दो बस। तो इनकी सुनो, यानी मुफ्त की रुखसती के चक्कर में हम अपनी बेटी उनके हाथों बेच दें? क्यों, हमारी अपनी कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? अम्मा क्या बातें कर रही हो, मजबूरों की कौन सी मान और मर्यादा होती है? अरे अरे तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी पब्लिशर से बात हुई है, वो किताब का एडवांस बहुत जल्द मुझे देने वाला है। लो जी अब्बा ने तो बात ही खत्म कर दी है, आ रहा है एडवांस, ले लियो फिर जो लेना है। ये अच्छी जबरदस्ती है, अभी मेरी नौकरी लगी और अभी मैं रुखसती भी कर लूं। अम्मी आप उनको कह दीजिए अगर इतनी जल्दी है ना उन्हें तो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें। बेटा समझाया तो बहुत है मगर वो... आप क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप कि मैं गुलाम बनकर उनके घर में चली जाऊं? अच्छा यही होगा कि आप मेरी तनख्वाह से उनके कर्ज के एक साथ उतारती रहें, इसी में इज्जत है हमारी। कर्ज मुंह अभी तो पढ़ता ही जा रहे ना, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी सूद के चक्कर में ना डाले। टेम्परेचर और बीपी दोनों हाई हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, कोई डॉक्टर नहीं देखना। समीर को बुलाओ, उसे फोन करो, लड़की हटाओ ये सब हटाओ, बुलाओ समीर को। नूरा मेरी बात कराओ समीर से, मुझे कहीं नहीं जाना, फेंको ये सब चीजें। हटाओ ये सब। आए।
सर घर पे कुछ टेंशन हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल बैक करूँ। नो मोर कॉल। ओके सर। बिल्कुल नहीं चलेगा ये, दो तीन साल पुराना डिजाइन है, प्लीज कम अप विद समथिंग न्यू। डैड हैव अ लुक। ये एक और रेफरेंस है, आजकल लाउंज में और कोर्टयार्ड में बहुत इन है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ पुराना है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन बनाएं? कम अप विद फ्रेश आइडियाज। कल दोबारा मीटिंग रखते हैं और फिर इसको रीडिस्कस करेंगे। डैड आई एम लीविंग फॉर द मीटिंग, मैं एक दफा सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली रिव्यू करना चाह रही हूँ। ओके टेक केयर। वेल जेंटलमैन, गुड रिसर्च, कीप इट अप। दुनिया जरा परफेक्शनिस्ट है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसके मेयार का काम कर लोगे। सर कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। अब थक मत जाना इसके परफेक्शन की तलाश में। नहीं सर, मैं थकने वालों में से नहीं हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, लक वैसी काफी चाहिए मुझे। सोच मैं ये सब मैं ले जाता हूं। ओके थैंक यू। राइट थैंक यू सर। कितना टेम्परेचर है? 104। क्या करें, मुझे लगता है यहाँ इलाज नहीं हो सकता इसका। नूरा मेरी बात सुने, नूरा की तबीयत बहुत ख़राब है, आई थिंक इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका फैसला तो समीर साहब खुद करेंगे। अरे तो जाइए बात कीजिए ना उनसे, उनको बताइए इनकी हालत का। वो अपने कमरे में चले गए हैं, अब तो सुबह से पहले बात नहीं हो सकती। बात नहीं हो सकती? नूरा हमने ऑलरेडी बहुत इंतज़ार कर लिया है, आप जाके उनको बताइए उनकी माँ की हालत कितनी ख़राब है। भला ऐसा हो सकता है वही सुन के दरवाज़ा ना खोलें? मज़ीद डिले किया ना तो बहुत देर हो जाएगी। इस घर में कभी आज तक नहीं हुआ कि साहब कमरे में गए हो, किसी ने जाके दरवाज़ा खटखटाया है, और ना कोई हिम्मत कर सकता है। क्या हुआ मैडम? मैडम मैडम होश में आइए, आप लोग बैठिए तमाशा देखिए मैं बोल क्या। अरे गौर भी मत जाइए, रुक जाइए गौर भी, रुक जाइए। मैडम क्या हो गया? मैडम मैडम समीर सर, समीर सर, समीर सर दरवाजा खोलिए। समीर सर दरवाजा खोलिए, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है।
नहीं मिली ना इजाज़त। मैं जानती हूँ इस गलती की वजह से सुबह नौकरी जाएगी। इजाज़त मिल गई है। क्या? मैं नहीं मान सकती। हेलो एम्बुलेंस। मैं तबाह हुआ, मैं फना हुआ, मेरा रोम जल के सुआ हुआ, तड़प मेरी कुछ और शरी, तड़प मेरी कुछ और शरी। इस मौसम में मैं बाइक पे कैसे आऊंगा? और तुम दफ्तर वालों से बोलो ना, मौसम ठीक होता है तो सुबह में ड्रॉप कर दें तुम्हें। डॉक्टर, पेशेंट की तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर है, मगर हाइपरटेंशन का अटैक था जो कुछ देर बाद नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता था। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उनसे? फिलहाल तो वो गहरी नींद सो रही हैं, सुबह तक इंजेक्शन का असर रहेगा, उसके बाद ही आप उनसे मिल सकती हैं। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। गौर बीबी जी, इतनी रात हो गई है और बारिश भी रुक गई है, आप चाहे तो चली जाएं, मैं और सिस्टर तो यही है। नहीं नूरा, मैं फ़ोन कर चुकी हूँ, इट्स ओके, मैं यहीं पे हूँ सुबह तक, मैडम को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। चले फिर। नूरा, नूरा, शबीर कहाँ मर गए सारे? अकबर। जी सर। अकबर, मैं जान सकता हूं कहाँ 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 मरे हुए आप सारे, और मामा कहाँ है? सर मैडम तो घर पर नहीं है, आपको बताया नहीं सर? घर पर नहीं है, कहाँ गई है? सर मैडम की रात तबीयत बिगड़ गई थी, गौर मैडम उन्हें हॉस्पिटल ले गई। गौर मैडम मेरी मामा को हॉस्पिटल लेकर गई है, किसकी परमिशन से? सर आपकी परमिशन। अकबर भाई, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं दी मैंने परमिशन, किसी ने नहीं मांगी मुझसे परमिशन। सर गौर मैडम ने तो स्टाफ को यही बताया था। गौर मैडम, गौर बीबी मैडम की तबीयत अब रात से बेहतर है, आप चाहे तो घर जा सकती हैं। जी मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। मैं हूँ यहाँ मैडम के साथ ना। ठीक है मैं निकलती हूँ।
अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैडम की तबीयत अब अच्छी है, रात को आईसीयू में थी, अब कमरे में शिफ्ट। आपने सबको कहा था कि मैंने आपको मामा को यहाँ लाने की इजाजत दी, आपने कहा था सबसे? मैंने दी थी आपको इजाजत। नहीं सर, वो मैंने Zahir Rasool, Zahir Rasool।